हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस रेप्लिकेशन के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन। सबसे पहले हम यार बात करेंगे डेटाबेस रेप्लिकेशन होता क्या है, कौन से सिनेरियोज में डेटाबेस रेप्लिकेशन आपकी हेल्प करेगा जब आप किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, और फाइनली हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो आपके काम आ सकती है टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस रेप्लिकेशन। तो यार ये सारा का सारा अपना वीडियो का कंटेंट रहने वाला है, शुरू करते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ये समझते हुए कि डेटाबेस रेप्लिकेशन होता है। तो यार अज्यूम करो अपने पास तीन डेटाबेस सर्वर है, एक उसमें लीडर सर्वर है और दो उसके हैं फॉलोवर। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि आप क्या करते हो, जब भी कोई राइट रिक्वेस्ट जाती है तो आप सिर्फ लीडर नोड पे डेटा राइट करोगे और बाकी के जो आपके दो सर्वर है, जो फॉलोवर डेटाबेस सर्वर है, वो क्या करेंगे, डेटा को सिंक कर लेंगे, डेटा की कॉपी बना लेंगे। तो ये प्रोसेस है कि हम डेटा की सेम डेटा की कॉपी बना रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस रेप्लिकेशन। अब यार इस कंसेप्ट को हम लेके क्यों आए, क्यों हमें डेटाबेस रेप्लिकेट करना है, क्योंकि यार अगर आप डेटाबेस रेप्लिकेट कर रहे हो, आप सेम डेटा रेप्लिकेट कर रहे हो मल्टीपल जगह पे, देन यू हैव टू इनकर एक्स्ट्रा चार्जेस। तो उसके करने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा, वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यार अज्यूम करो जो अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन थी, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको याद दी थी, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या करती है, आप किसी को भी, आपको इंडिया के अंदर किसी भी यूज़र को आप हेलो बोलना है, आप क्या करोगे, अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर गए, आपने सर्च किया कि मेरे को मनदीप को हेलो बोलना है, आपके पास मनदीप की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और फिर आप बोल सकते हो मनदीप को हेलो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंडिया में एप्लीकेशन मस्त चल रही है और हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को कैनेडा में। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे सेटअप किया है, इंडिया में जो अपनी एप्लीकेशन चल रही थी, हमने जो भी अपने EC2 मशीन से, डेटाबेस सर्वर से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने सेटअप कर रखा है मुंबई के अंदर। जो अपनी एप्लीकेशन कनाडा के अंदर लॉन्च हुई है तो वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है वैंकूवर में। तो अपना जो भी डेटाबेसेस थे, वहाँ के जो भी यूज़र्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने वैंकूवर वाले डेटाबेस में रहेगी, जो भी इंडिया के यूज़र्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने रहेगी मुंबई वाले डेटाबेसेस में। अब अपनी एप्लीकेशन चल कैसे रही है, इंडिया वाले यूज़र्स आराम से इंडिया वाले यूज़र्स को हेलो बोल रहे हैं और कनाडा वाले यूज़र्स कनाडा वाले यूज़र्स को हेलो बोल रहे हैं। पर हम क्या चाहते हैं कि इंटर कंट्रीज भी हेलो बोला जाए, कनाडा वाले लोग इंडिया वाले लोगों को हेलो बोल पाए और इंडिया वाले लोग कनाडा वालों लोगों को हेलो बोल पाए। तो अज्यूम करो एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन, कनाडा की कोई बंदी है, उसने सर्च किया मनदीप कि मेरे को मनदीप की इन्फॉर्मेशन दिखाओ, मेरे को मनदीप को हेलो बोलना है। तो उसने सर्च किया मनदीप और फिर वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट आई मुंबई वाले सर्वर पे, हमने यहाँ पे मनदीप की इन्फॉर्मेशन निकाली और वहाँ तक पे रिस्पॉन्स बना के भेज दिया। पर यार ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और जब तक रेस्पॉन्स पहुंच पाता उससे पहले ही उस बंदी ने, जो अपनी कनाडा वाली बंदी है, उसने क्या किया, अपना जो एप्लीकेशन है हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का जो ऐप है वो बंद करके चली गई। तो देख रहे हो कितना नुकसान हो गया यहाँ पे मनदीप का, यहाँ पे एक सेटिंग होने के चांसेस बन सकते थे, सारे चांसेस चले गए। तो इन चांसेस, ये फ्यूचर में किसी और को दिक्कत ना आए, किसी और यूज़र्स की ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो सारा का सारा डेटा इंडिया का है, जो मनदीप की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमने मुंबई में रख रखी थी, हम वो सेम इन्फॉर्मेशन रख देंगे कनाडा में, कि डेटा को हमने रेप्लिकेट कर दिया है कि मुंबई के अंदर भी मनदीप की इन्फॉर्मेशन है और कनाडा के अंदर भी मनदीप की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कनाडा का कोई यूज़र, कोई भी यूज़र, बंदी बंदा कोई भी यूज़र अगर मनदीप सर्च कर रहा है तो वो कनाडा में सर्च हुआ तो वो वैंकूवर वाले डेटाबेस में जाएगा, अगर कोई यूज़र इंडिया का है तो वो सिर्फ मुंबई वाले डेटाबेस में सर्च होगा। तो अगर कोई फ्यूचर में रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पे वो सर्च होगा। अब वो अलग बात है कि यार शकल ही ख़राब है तो सेटिंग होने के चांसेस काफ़ी कम है, पर यहाँ पे आप जिस समझ गए होगे कि क्या फ़ायदा हो सकता है डेटाबेस रेप्लिकेशन का, आप बेसिकली लेटेंसी कम कर रहे हो अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की। और जब भी यार कोई आप सिस्टम डिज़ाइन करते हो, कोई रीड इंटेंसिव सिस्टम होता है, क्यों अगर आप हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को देखोगे तो मोस्टली आपकी इन्फॉर्मेशन फेच हो रही है, इन्फॉर्मेशन राइट करने के बजाय मोस्टली आपकी फेच होती है। तो इन केसेस में आप इंश्योर करते हो कि लेटेंसी कम से कम हो, जैसे ही यूज़र ने सर्च किया गेट मी द इन्फॉर्मेशन ऑफ मनदीप, आपने झट से रिस्पॉन्स दिखा दिया, तो उससे जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस, मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस रहती है वो फास्ट हो पाए, वो लेटेंसी कम हो पाए, वहाँ पे हेल्प करता है डेटाबेस रेप्लिकेशन। तो यार ये एक फ़ायदा था कि आपकी सर्वर की, जो आपका सिस्टम है, उसकी लेटेंसी कम हो रही है। अब यार इसके कुछ और फायदे भी हो सकते हैं डेटाबेस रेप्लिकेशन के लिए। और फायदे क्या, एक तो आपकी सिस्टम की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कैसे कि इन केस आपने एक ही डेटाबेस सेटअप कर रखा था, अगर वही डाउन चला जाता है तो यार आपका सिस्टम डाउन चला जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपका डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे रेप्लिकेटेड है और एक सर्वर अगर डाउन चला गया तो दूसरा सर्वर उसको हैंडल कर सकता है। दूसरा, इसके अलावा एक तीसरा बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपकी रीड और राइट्स बैलेंस हो रही है, कि आप
सिर्फ एक सर्वर के ऊपर लोड नहीं बढ़ा रहे, आपकी जो रीड्स एंड राइट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका सिस्टम का लोड कम हो रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी से ही रिलेटेड रहेगा। बट दीज आर द काइंड ऑफ बेनिफिट्स विच यू विल गेट अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो डेटाबेस रेप्लीकेशन या फिर आपके डेटा का रेप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस रेप्लीकेशन के बेनिफिट्स। अब यार हम जो डेटाबेस रेप्लीकेशन हमने डिस्कस किया है, ये बेनिफिट्स ये दे देता है, इसको हम इम्प्लीमेंट एक्चुअली कैसे होता है, तो देर आर मल्टीपल वेज। मेन जो तीन वेज होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज सिंगल लीडर रेप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, आपका एक सिंगल नोड रहता है जो रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर ऑल द राइट रिक्वेस्ट। तो आपकी कोई भी राइट रिक्वेस्ट जा रही है उस सिंगल नोड पे जाएगी, और आपके जो बाकी के नोड्स है वो फॉलोवर नोड्स रहेंगे। तो आपकी रीड जो हो रही है वो या तो फॉलोवर नोड से हो सकती है या फिर लीडर नोड से हो सकती है, पर जो आपकी राइट है वो सिंगल नोड हैंडल करेगा जो लीडर नोड है। नंबर टू इज मल्टीपल लीडर्स रेप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होगा, आपके मल्टीपल लीडर्स रहेंगे। बेसिकली जब हम लीडर की बात करते हैं वो नोड जो राइट हैंडल कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कोई भी राइट रिक्वेस्ट जा रही है वो इनमें से किसी भी लीडर नोड के ऊपर जा सकती है। अगेन आपकी जो रीड क्वेरी रहेगी वो या तो लीडर पे जा सकती है या फिर जो भी आपने फॉलोवर्स बना रखे हैं उनके ऊपर से सर्व हो सकती है। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपकी जो राइट रिक्वेस्ट क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो एक सर्वर के ऊपर लोड नहीं रह रहा और सिस्टम की अवेलेबिलिटी इंक्रीज आप कर रहे हो। नुकसान क्या हो सकता है, अज्यूम करो एक सिनेरियो कि मनदीप राइट रिक्वेस्ट भेज रहा है, पहले लीडर वन पे उसने भेजा और साइमल्टेनियसली उसने लीडर टू पे भी कोई रिक्वेस्ट भेज दी। अगर वो सेम एंट्री पे रिक्वेस्ट है तो यार कंकरेंसी का इश्यू आ जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी का इश्यू आ जाएगा। इसको हम एक तरीका, जो सिंपल तरीका जिससे हम रिजोल्व कर सकते हैं वो ये कि अगर आपका यूज़र्स है उनको आप अगर टाई कर देते हो लीडर नोड से, कि अगर एक यूज़र की क्वेरी जा रही है इस पर्टिकुलर टाइम में जो आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर रखा है कि इतने के अंदर तो इतने टाइम के अंदर तो क्वेरीज राइट हो जाएगी और सिंक भी डेटा हो जाएगा डिफरेंट लीडर्स के साथ, तो अगर आप यूज़र को टाई कर देते हो तो अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र साइमल्टेनियस या फिर पैरेलल रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो सिंगल लीडर नोड पे जाएगी और उससे आपका जो ये इनकंसिस्टेंसी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर थ्री इज लीडरलेस रेप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी नोड लीडर नहीं है, कोई भी नोड फॉलोवर नहीं है। आपकी जो रीड रिक्वेस्ट जा रही है वो राइट रिक्वेस्ट जा रही है वो किसी भी नोड के ऊपर जा सकती है। इसमें इशू जो सबसे बड़ा आ सकता है रीड या फिर राइट में डेटा इनकंसिस्टेंसी का। इस डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को आप रिजोल्व कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, जो भी आपके मल्टीपल नोड्स आपके हैं, यहाँ पे लीडर तो कोई है नहीं ना कोई फॉलोवर है, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो राइट रिक्वेस्ट है आप मल्टीपल नोड्स पे एक साथ भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि यार एक नोड पे डेटा राइट होगा फिर उस पर किसी और पे रीड हो रहा है तो ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो अगर आप मल्टीपल भेजते हो तो कुछ हद तक वो इशू मिनिमाइज हो जाएगा अपना डेटा इनकंसिस्टेंसी का। सर दीज आर द स्ट्रेटेजीज विच कैन बी यूज फॉर डेटाबेस रेप्लीकेशन। अब जो हमने ये तीन स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कि हम इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी एक्चुअली। तो नंबर वन इज सिंक्रोनस वे ऑफ रेप्लीकेशन एंड नंबर टू इज एसिंक्रोनस रेप्लीकेशन। सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट वेट करती है जब तक आपका कंप्लीशन नहीं हो जाता पूरा का पूरा डेटा सिंक प्रोसेस का, कि आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी, राइट रिक्वेस्ट भेजी, तो राइट रिक्वेस्ट आपके लीडर नोड पे गई और जब तक वो फॉलोवर नोड्स पे डेटा सिंक नहीं हो जाता कि हमारे तीन सर्वर थे, जब तक वो तीनों डेटाबेस सर्वर्स पे सेम डेटा नहीं रह जाता, जो भी आपकी राइट रिक्वेस्ट है वो तीनों सर्वर्स पे राइट नहीं हो जाती, तब तक आप रेस्पॉन्स नहीं भेजोगे, तब तक आप एक्नोलेजमेंट नहीं भेजोगे कि आपकी राइट सक्सेसफुल हो गई है। नंबर टू इज जो हमने बात करी वो है एसिंक्रोनस रेप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने राइट रिक्वेस्ट भेजी अपने लीडर नोड पे, तो एक बार लीडर नोड में अपने नोड पे राइट कर लिया, अपने खुद के ऊपर राइट कर लिया, तो वो फिर एक्नोलेजमेंट भेज दिया कि आपकी राइट हो गई है, और लीडर नोड अपने एंड पे क्या करेगा, वो एसिंक्रोनस प्रोसेस करेगा, एसिंक्रोनसली राइट करेगा बाकी डेटाबेस सर्वर्स पे, कि डेटाबेस सर्वर्स जो बाकी आपने सेटअप कर रखे हैं वो अपने टाइम के हिसाब से अपने ऊपर राइट कर लेंगे, पर यूजर को वेट नहीं करना पड़ रहा है यहां पे। बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं हो रही जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो फॉर द राइटिंग पर्पस। यार इसमें फायदा क्या है कि आपकी जो सिस्टम की प्रोसेसिंग है वो एक रिक्वेस्ट पे ब्लॉक नहीं हो रही, आप रिक्वेस्ट राइट भेज सकते हो और आपके सर्वर्स पे ऊपर जो लोड है वो इंक्रीज नहीं होगा और वो अपने टाइम के हिसाब से धीरे धीरे सारी प्रोसेसिंग हो सकती है। अब क्योंकि आपका इसके अंदर प्रोसेसिंग धीरे धीरे हो रही है क्योंकि आपके डेटाबेस सर्वर पे सेम डेटा नहीं है, तो यार यहाँ पे इशू आ सकता है डेटा कंसिस्टेंसी का, क्योंकि यार रेप्लीकेशन लैग हो सकता है अगर हम एसिंक्रोनसली प्रोसेस करते हैं, तो उसको डिफरेंट वेज में सोल्व कर सकते हैं हम, यार वो डिपेंड करता है यूज़ केस टू यूज़ केस। एक तो ये हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी सपोर्ट करता है कुछ टाइम तक तो यार काफ़ी अच्छा है, पर इन केस आपका सिस्टम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी सपोर्ट नहीं करता, तो एक सिंपल सा तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो इसको सोल्व करने के लिए वो ऐसा हो सकता है
कि जब आपका कोई पर्टिकुलर क्वेरी राइट हो रही है तो आपकी राइट होगी अपने लीडर नोड पे, तो जो भी रीड रिक्वेस्ट आती है पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प तक, मान लो 1 मिनट तक, हम अज्यूम करते हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा का एप्लीकेशन लैग नहीं आएगा, 1 मिनट में तो सारा का सारा जो भी डेटा उसने यूज़र ने राइट किया होगा वो डेटाबेस जो भी अपने फॉलोवर नोड्स हैं उन पर रेप्लीकेट हो ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट तक उस एंट्री के लिए सिर्फ लीडर नोड पर रीड क्वेरीज भेजेंगे, बाकी नोड्स पर नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर आपका कंसिस्टेंसी का इशू सॉल्व हो सकता है और एप्लीकेशन लैग की वजह से जो इशू आ रहा था वो काइंड ऑफ सॉल्व हो जाएगा और वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। सर दिस इज ऑल अबाउट रेप्लीकेशन। आपका कोई भी फीडबैक रहता है, कोई भी सजेशंस रहती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन द सिस्टम डिजाइन। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।